यहाँ का वड़ा पाव, ओहो हो, मजा आ जाता है मर्द। आपको मुंबई से इश्क हो जाएगा। अच्छा सुनो, खाने में क्या है? जहर है। अच्छा तुम खा के सो जाना, मुझे आने में देर हो जाएगी। मैं तो जा रहा हूँ मुंबई का वड़ा पाव खाने। दोस्तों अगर आप मुंबई गए और मुंबई का वड़ा पाव नहीं खाया तो आप मुंबई पॉकेट में गए यार। मुंबई का वड़ा पाव वर्ल्ड फेमस स्ट्रीट फूड है। ये मुंबई की शान है, मुंबई की पहचान है। अमीर गरीब सभी शौक से खाते हैं। मिलियन के हिसाब से इतने खाया जाता है कि मैकडॉनल्ड ने भी आलू टिक्की इसकी बनाने की कॉपी की मगर फेल हुआ। वड़ा पाव में तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन वड़ा, जो कि डीप फ्राई आलू और वेजी की पेटी होती है। नंबर टू पाव। एक बात मैं आपको बताऊं, पाव मुंबई के पाव और किसी और जगह के पाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुंबई का पाव सॉफ्ट, मुलायम, खुशबू, वाह 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 वाह, मज़ा आ जाता है। तो तीसरी चीज़ है मैजिकल चटनी। पहला निवाला आपके मुंह में जाता है तो आपका पेट कहता है वड़ा पाव, ओह माय गॉड, आराम वड़ा पाव। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं मुंबई का मशहूर आराम वड़ा पाव, जो कि सीएसटी स्टेशन के बिल्कुल सामने है और तकरीबन 80 साल पुराना है। सीएसटी स्टेशन के सामने खड़े होकर खाइए, सीएसटी स्टेशन का व्यू देखते हुए आपको मज़ा आ जाएगा। अशोक वड़ा पाव, दोस्तों अब चलते हैं अशोक वड़ा पाव। इनका छूरा वड़ा पाव बहुत फेमस है। अशोक वड़ा पाव इंडिया का बहुत ही मशहूर वड़ा पाव है। पिछले 20 साल से ये टेस्टी वड़ा पाव बना रहे हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जुगाड़ी वड़ा पाव, पार्ले ईस्ट मुंबई का जुगाड़ी अड्डा वड़ा पाव। इनका वड़ा पाव देखें बिल्कुल ही बढ़िया, फुली लोडेड। देखिए आप कलर देखें, ऐसा लग रहा है कि जैसे पेंटिंग। खाइएगा आपको मज़ा आ जाएगा। मुलन मुंबई का बीगा वड़ा पाव, इसको बीगा वड़ा पाव इसलिए कहते हैं कि देखें ये पाव को फुली मसाले में डिप करते हैं। वड़े का अपना मज़ा, मसाले का अपना मज़ा, ओहो हो मज़ा आ जाएगा। ये देखें चीज़ मसाला वड़ा पाव, वाह वाह वाह। मिर्ची पकौड़ा वड़ा पाव मुंबई, इस वड़े पाव में मिर्ची को अलग फ्राई करके वड़े पाव के साथ दी जाती है। फ्राई मिर्ची का एक अलग स्वाद होता है, वो आप वड़े पाव के अंदर डालें या बाहर खाएं, मज़ा आ जाता है। पोटो शेजवान ग्रीन चिली विथ चीज स्लाइस वड़ा पाव मुंबई, ये वड़ा पाव उसकी बात ही और है। कलर देखें चटनी के, चीज़ के, खुशबू, आहा आपको मज़ा आ जाएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।